हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? हम लूसेंट की बुक से इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम याले लेक्चर में पहुंचे हैं। दोस्तों पुराने लेक्चर्स अगर देखना है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हैं दोस्तों, प्राचीन इतिहास करके लूसेंट जी के, है ना। इस लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे, प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इतिहास के भी युग हुए हैं, तो इतिहास के युग को हमने तीन भागों में बांटा है। तीन युगों में बांटा है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन हुआ है जिसमें तीन भागों में बांटा है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, दूसरा है अध ऐतिहासिक काल जिसे प्रो हिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा है इतिहास, सिर्फ इतिहास। तो तीन भागों में बांटा गया है, तो एक एक करके बताऊंगा मैं। देखो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रागैतिहासिक काल की, तो दोस्तों मानव अतीत में उस भाग को प्रागैतिहासिक कहते हैं, मानव के अतीत के उस भाग को प्रागैतिहासिक कहते हैं जबकि मानव का अस्तित्व तो था, उस टाइम पे मानव का अस्तित्व तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। यानी उस टाइम पे अस्तित्व तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, है ना। विश्व इतिहास में लेखन कला का आरंभ सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ है ऐसा माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ है ऐसा माना जाता है लेखन, है ना, लेखन कला का आविष्कार। तो ये समझ में आ गया प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, है ना। तो इतना सा है, इस युग में मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, है ना, वही तो लिखा हुआ है देखो यहां पे। इस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन अद्भुत नहीं किया गया है क्योंकि लेखन कला का आविष्कार ही नहीं हुआ था। अब बात करते हैं अपन अध ऐतिहासिक काल की। अध ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं दोस्तों, इसको प्रो हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। अध ऐतिहासिक काल ऐसा काल है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है, ये बीच का समय है। प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच का समय है, वो ऐसा समय था जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना प्रारंभ कर दिया था, मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर शुरू हो चुका था, है ना। उसे भी निम्न प्रकार में बांट दिया गया है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो हम यहां बोल सकते हैं अध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन हो चुका था, लेकिन उपलब्ध लेख को हम पढ़ा नहीं जा सकता था। तो हम उसको बोल सकते हैं अध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सकता था, है ना। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी, लेखन कला का प्रचलन हो गया था उसके बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सकता था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अध ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं इस युग में मनुष्य को लिपि का ज्ञान तो था किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। हमको जब बाद में पता चला तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उनने क्या लिखा था। इसका प्रमुख उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, तो वही तो लिखा है देखो लूसेंट की बुक में। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, वही तो बताया गया है। तीसरा बात करते हैं इतिहास, तीसरा भाग मैंने बताया तीन युग में बांटा गया, तो इतिहास बहुत आसान है समझना। इतिहास के अंतर्गत हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं दोस्तों जिसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंधित रखने वाली घटनाओं का काल क्रम अनुसार वर्णित होता है, हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसा बोल सकते हैं मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, है ना। प्राचीनतम से नवीनतम की ओर आने वाले मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहलाता है। मानव विकास में उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मैंने बताया लिखित रूप में जो उपलब्ध है उसको इतिहास कहते हैं। तो यहां तीन चीज समझ में आ गई ना अपने को, तीन भागों में बांटा, है ना, इतिहास के युग को तीन भागों में बांटा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री, तीन भागों में। तो यहां तीन डेफिनेशन अपने को यहां तक के समझ में आ गई दोस्तों, तीन हिस्ट्री में बांटा है तो तीन चीजें अपने को समझ में आ गई। अब आगे का पढ़ते हैं। अब देखो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पहला वाला काल जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, ये प्री हिस्ट्री को भी तीन
तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन से हैं? सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल दोस्तों, पुरापाषाण काल, देखो यहां लिखा है पुरापाषाण। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, इधर नीचे लिखा है उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, कहां गया ये मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और आता है नवपाषाण काल। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, पुरापाषाण काल या पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और नवपाषाण काल। तो देखो जो पुरापाषाण काल था दोस्तों, इसके बारे में पहले मैं बोल के बता देता हूँ, उसके बाद अपन लुसेंट की बुक से पढ़ेंगे। पुरापाषाण युग जो है ये कब से कब तक था वो बाद में बताऊंगा। इस युग में मनुष्य आदिम अवस्था में रहता था दोस्तों, पूर्णता आदिम अवस्था में रहता था, कच्चा भोजन करता था और अपने शिकार के लिए बलुआ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इतना याद रखना है बस परीक्षा के लायक। इस युग में मनुष्य पूर्णता आदिम अवस्था में रहता था, कच्चा भोजन करता था, शिकार के लिए बलुआ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था पुरापाषाण काल में। फिर आता है दोस्तों मध्यपाषाण काल, कहां गया ये मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में बोल के बता देता हूं या कब से कब तक था वो बाद में बताऊंगा। इस युग में मनुष्य यानी इस युग में ये मध्य का है दोस्तों, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य का है, याद रखना है मध्य का है ना, इसकी जानकारी हमको मिलेगी आगे। तो ये मध्य का है, तो जिसमें मनुष्य ने मनुष्य इसके एक साक्ष्य मिले हैं जिसमें मनुष्य मध्यपाषाण काल की बात है वो, तो मध्यपाषाण काल का एक एग्जाम्पल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीम बेटिका की गुफाएं हैं दोस्तों, वो मध्य युग का उदाहरण है जो अपनी रंगीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को में 2003 में शामिल किया था उसको, इतना याद रखना है। बात करते हैं अपन अब नवपाषाण काल की। देखो कहाँ लिखा है नवपाषाण काल, लिखा है कहीं, कहाँ गया भूल गया मैं भी कहाँ गया, तो ये नवपाषाण काल इसकी बात करते हैं। तो नवपाषाण काल इस युग में मनुष्य ने पहिए का और आग का आग की खोज कर ली थी, जो पहिया होता है पहिया और आग का आविष्कार इसी युग में हुआ था नवपाषाण काल में, और मनुष्य ने खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। इसके प्रमाण जम्मू कश्मीर के सोहन नदी के से प्राप्त हुए, इसके प्रमाण जम्मू कश्मीर के सोहन नदी से प्राप्त हुए। मनुष्य ने 8 प्रकार के फसलों का उत्पादन चालू कर दिया था उस टाइम पे, सबसे पहले गेहूं और जौ, जिसमें से पूछेगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किसका उत्पादन किया था, जौ का, याद रखना है जौ का उत्पादन। प्रमाण इसके प्रमाण ईरान से मिले हैं, इसके प्रमाण ईरान से प्राप्त हुए हैं। तो ये तीन भाग समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे बुक से, जो चीज़ यहाँ पे अब बुक से पढ़ेंगे, बुक को बताऊंगा मैं कहाँ तक हुआ था पढ़ के, यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक देखो दोस्तों यहाँ से क्या लिखा है, ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस। तो दोस्तों मानव का साइंटिफिक नेम क्या है करके पूछा जाएगा तो होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस का अर्थ होता है वर्तमान में पाए जाने वाला मनुष्य, वर्तमान में पाए जाने वाले मनुष्य को ही होमो सेपियंस कहा जाता है दोस्तों। मनुष्य भी पहले धीरे धीरे करके बढ़ा है, पहले है ना अपने पढ़े हैं बंदर था, फिर धीरे धीरे उसकी प्रजाति बढ़ती गई, उसके दिमाग का विकास होते गया और फिर वो धीरे धीरे ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व माना जाता है, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं पुरापाषाण काल की दोस्तों। पाषाण से क्या समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पाषाण वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, तो पाषाण है क्या, पाषाण का मतलब होता था दोस्तों पत्थरों का काल, पाषाण का संस्कृत शब्द है पाषाण, पाषाण का मतलब होता था संस्कृतों का काल। प्रागैतिहासिक काल के दौरान पत्थर का उपयोग मनुष्य के उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण युग का इतिहास वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था, पत्थरों पर आश्रित था। उदाहरण के लिए पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों की गुफा में शरण लेता था, पत्थरों से आग पैदा करता था, उसे ही पाषाण काल कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पूरा पाषाण काल के बारे में। दोस्तों ये फैक्ट को समझो, पूरा पाषाण युग या उसे पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार कृषि था, मानव की जीविका का मुख्य आधार कृषि था, शिकार पुरापाषाण में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था, यानी शिकार करके मनोरंजन भी किया करते थे। और क्या बोला है यहाँ पे, मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार कृषि था, याद रखना है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुई है दोस्तों। यहाँ आविष्कार लिख दिया है, आविष्कार नहीं होता, खोज होता है, आविष्कार अलग होता है, खोज अलग होता है ना। तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको देखो
आग की खोज पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल के मध्य मानी जाती है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो पुरापाषाण काल ऑप्शन रहेगा, तो पुरापाषाण काल ही लगाना है। आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई और पहिए का आविष्कार बोलेंगे इसको, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण, इसको आविष्कार बोलेंगे, पहिए जो पहिया नहीं होता था पहिया, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल और आग की खोज पुरापाषाण काल, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य ने स्थायी निवासी की प्रकृति यानी कि स्थायी रूप से रहना, जब पहले मनुष्य घूमता फिरता ही रहता था जंगल में इधर उधर, लेकिन स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब से अपनाई, तो नवपाषाण काल में उसने अपना ली थी, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, यानी खुद वो घर बना के रहने लगा था एक ही स्थान पर और सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सबसे पहले किसको पालतू बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया था, और नवपाषाण काल से स्थायी मनुष्य की प्रवृत्ति हुई। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, दोस्तों क्वेश्चन आता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन सा था, पूछेगा तो कुल्हाड़ी। उसके द्वारा बनाया गया पहला औजार, धातु पूछेगा तांबा और औजार कौन सा था, तो कुल्हाड़ी था, याद रखना है, कुल्हाड़ी बनाया था उसने, है ना। और इसकी प्राप्ति कहां से हुई है, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं दोस्तों, अतिरम पक्कम दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के निकट, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के निकट स्थित एक स्थान है। यहाँ से प्राचीन मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। पत्थर से बनाया था सबसे पहले मानव ने, तो पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यह कुल्हाड़ी और अन्य पत्थर के औजार मिले हैं लगभग 15 लाख वर्ष पुराने हैं। तो बलुआ पत्थर से उसने सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया था, याद रखना है। तो ये जगह का नाम, ये जो लिखा है यहाँ पे अतिरम पक्कम, ये कहाँ पे, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के निकट है। यला फैक्ट समझ में आ गया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, पूछा जा सकता है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन तथा मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, दोस्तों एक मेहरगढ़ नामक जगह मिली है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी, पहली फसल गेहूं थी, एवं जौ भी थी लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, है ना। अनाज कौन सा था, पूछेगा चावल था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। तो दोस्तों क्वेश्चन एक और आते रहता है, ये जव इंपॉर्टेंट है, जव है ना। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी, तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जव की खेती की गई थी। जव आंसर देगा, जव लगाना है, याद रखना है, जव की खेती की गई थी। यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया गेहूं, है ना, पहली फसल गेहूं थी लेकिन जव की खेती की थी, जव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूं मैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी, तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जव की खेती की गई थी, जव की खेती की गई थी, ये याद रखना है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ कहां पर है, तो मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, दोस्तों यह नवपाषाण युग का है, यहां से बहुत से अवशेष मिले हैं। यह बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान कहां पे आता है, पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान के कच्ची मैदान के क्षेत्र में स्थित है ये। तो मेहरगढ़ कहाँ है, देखो यहाँ भी तो लिखा है पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, ये पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ से हमको कृषि के प्रथम उदाहरण मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इतना याद रखना है, है ना। यह विश्व में उन स्थानों में से एक है, कौन सा, मेहरगढ़ स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काय से, तो प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखना है यहां से। उसके बाद अगला है कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कोल्डी हवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, दोस्तों ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी घाटी में स्थित है। कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारों पर है,
दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारों पर है। कोल्डी हवा में पुरातत्वविदों ने चावल और कुछ खंडित हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से एक तो चावल के प्रमाण मिले हैं, एक तो चावल और कुछ खंडित हड्डी, कुछ खंडित खंडित हड्डियों हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद आ गया। मेहरगढ़ से पूछेगा तो मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और कोल्डी हवा से अपने को काय के साक्ष्य मिले हैं, चावल चावल के साक्ष्य मिले हैं और खंडित हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे दोस्तों। तो जितने भी औजार पुराने वाले मिले हैं सब पत्थरों से बनाए हुए मिले थे, पत्थरों का प्रयोग करता था मनुष्य और औजार बनाता था। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की थी, पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की थी, है ना, और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। तो ये क्या नाम है जगह का नाम है क्या, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला आकृति की खोज की गई थी। तो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए काम किया था, है ना, काम किया था। और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट से, जो आपको नोट करके याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं नहीं लिखा है ना। ये भारतीय पुरातत्व में इनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक भी कहा जाता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है इनको। देखो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है अपने को पता है, लेकिन जो प्री हिस्ट्री हुई थी शुरुआत वाली, प्री हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले औजारों को खोज की, औजारों के बारे में बताया कि ये सब ऐतिहासिक युग के हैं, है ना। तो ये इनको क्या कहा जाता है, मैंने क्या बता दिया, भारतीय पुरातत्व में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है इनको, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा था, पल्लावरम। तो दोस्तों ये पल्लावरम कहाँ पर है, तो ये पल्लावरम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक गिट्टी के घड़े के अंदर, एक गिट्टी के घड़े के अंदर पुरापाषाण युग के एक पत्थर के औजार की खोज की थी, यहाँ पे पत्थर के औजार की खोज थी। तब से पुरापाषाण यानी तब से पाषाण युग की कई कला आकृतियां औजार यानी उजागर हुई, कला आकृतियाँ उजागर हुई दोस्तों, तब से ही कला आकृतियाँ उजागर हो गई और हमको पता चला कि यहाँ पे पत्थर के औजार की खोज इस जगह से की गई थी। ये जगह कहाँ पर है, तो ये जगह है दोस्तों चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है ये जगह, चेन्नई के पास स्थित है, तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। तो इसकी खोज भी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करी थी। तो ये पूरा फैक्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, भारतीय पुरापाषाण कला आकृति की खोज की थी कहाँ से, ये चेन्नई में है, पल्लावरम, है ना, ये फैक्ट पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है जो बताया मैंने। अगला है भारत में मध्य पाषाण के विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई सी एल कार्लाइल, क्या लिखा है, कार्लाइल, इंग्लिश में ऐसा लिखेंगे इसको कार लीले ऐसा लिखते हैं, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, कार्लाइल, है ना, कार्लीले। तो सी एल कार्लाइली ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज निकाले और भारत में मानव अस्थिपंजर, जो मानव के अस्थिपंजर मिले हैं, और मध्य पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में मानव अस्थि पंजर कहाँ कब हुए, तो मध्य पाषाण में ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। अस्थि पंजर कब मिले थे करके क्वेश्चन आ सकता है, भारत में मानव अस्थि पंजर कब मिले थे, तो मानव यानी मध्य पाषाण के समय सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, सी एल कार्लीले, है ना, कौन थे ये, कौन थे,
तो भारत में सक्रिय एवं अंग्रेज पुरातात्विकविद थे, पुरातात्विकविद थे दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने जब अलग विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया था सरकार ने, तो उस टाइम पे सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने पदभार संभाला। और उसके बाद उसके महान, जब उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंगम ने पदभार संभाला था उसी टाइम पे ये महानिदेशक थे, किसके, भारतीय पुरातात्विक विभाग के, भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, और ये भी उससे रिलेटेड काम कर रहे थे। तो ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। भारत में मध्यपाषाण के विषय की जानकारी सर्वप्रथम कब दिया इनने, मध्यपाषाण विषय की जानकारी सर्वप्रथम कब दिया, तो 1867 में हुई। और किसने दिया था, सीएल कार्लाइल ने, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में, विंध्य क्षेत्र नहीं है, विंध्य क्षेत्र में लघु पूरा पोषण काल की खोज निकाले थे, है ना। और मानव अस्थि पंजर और मध्यपाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुए, इतना याद रखना है, ये फैक्ट समझ में आ गया होगा, इसको समझ लेना है। अगला है, भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रमाण ईसा पूर्व 4000 वर्ष के लगभग है दोस्तों, इतना ये पता होना। भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व के लगभग है, ये इंपॉर्टेंट है, कब के लगभग है, 4000 ईसा पूर्व के लगभग है। अब अगला फैक्ट देखते हैं क्या कहता है इधर साइड में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहन जोदाड़ो था, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहन जोदाड़ो था। यहां से एक और चीज याद आ गई मेरे को, ये बता देता हूं आपको, कभी क्वेश्चन पूछा तो, है ना। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी, अभी यहाँ पे बताया था ना मैंने पुरातात्विक सर्वेक्षण, है ना, यहाँ से एक चीज याद रखें। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी, 1861 में की गई थी, या देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुरातत्व शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है, प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी दोस्तों, याद रखना है। बस इतना ही पूछेगा, आगे चलते हैं इसी। कोई भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहन जोदाड़ो था, सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, है ना। तो मोहन जोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मोहन जोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। और क्वेश्चन यही आएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, मोहन जोदाड़ो था, सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखना है। असम, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपी है। तो इस फैक्ट को क्या समझ में आया दोस्तों, इस फैक्ट का मतलब क्या समझ में आया, तो गिबन क्या होता है सबसे पहले तो पता होना आपको, GBBON गिबन, गिबन होता है दोस्तों पेड़ पर दौड़ने वाला एक कपी होता है, पेड़ पर दौड़ने वाला रहने वाला एक कपी होता है, बंदर टाइप का होता है वो कपी होता है। भू यानी जीव विज्ञान कुल का है एक प्रकार का, ये बांग्लादेश हो गया, दक्षिणी चीन और इंडोनेशिया और सुमित्रा और जावा और बोर्नियो समेत कई द्वीपों में दिखाई देता है, कई द्वीपों में दिखाई देता है। तो ये बताया यहाँ पे कि आसाम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी है। कपी का मतलब क्या है, कपी प्राणी जगत में होमो नहीं यानी कपी प्राणी जगत में होमिनो क्या लिखा है क्या बोलते हैं होमिनोडेया परिवार की सदस्य है, परिवार का सदस्य है। जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो शाखाएं हैं अपने यहाँ पे देखा जाए तो, है ना। कपी होता है एक प्रकार का, अरे कपी यानी कि इसके एग्जाम्पल बताओ क्या, कपी के एग्जाम्पल होता है चिंपांजी, है ना, चिंपांजी, बोनोबो, गोरिल्ला, मनुष्य जैसे जो होते हैं ना, मनुष्य टाइप के ही जिनमें दिमाग होता है और दिमाग लगा सकते हैं उन्हें ही कपी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया, एक तो होता है गिबन। विकिपीडिया में सर्च मार के देख लेना आप गिबन, है ना, जो बंदर टाइप का जो होता है चिंपांजी टाइप का उसे ही गिबन कहा जाता है। तो गिबन, चिंपांजी, बोनोबो, गोरिल्ला, है ना, ये सब नाम है उसके, तो इतना ही याद रखना है। तो यह छोटे आकार के कपी होते हैं जो मनुष्य की तरह ही होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया, ये फैक्ट को समझ लो बस। असम के श्वेत भ्रू गिबन, श्वेत भ्रू गिबन कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा है,
असम के श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपीय भारत में पाए जाने वाले की बात हो रही है। इसके अलावा तो मैंने बताया कई सारी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, सुमित्रा, जावा, बोर्निया, है ना, लेकिन भारत में पाए जाने वाला, ये फैक्ट समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, भारत की सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों में से एक है। इनाम गांव भारत की सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों में से एक है, याद रखना है, है ना। अनुमान लगाया गया है कि एक समय में 1000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। ये 1500 से 600 ईसा पूर्व के अधिक समय का है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती भारत की पूछेगा तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। जोरवे संस्कृति क्या थी, तो ये ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति थी दोस्तों। ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति थी, उसे ही जोरवे संस्कृति कहा जाता है, इतना याद रखना, ये फैक्ट खत्म। बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों तो शिवालिक की पहाड़ी जो है वृहद हिमालय की एक पर्वतमाला है, वहां से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं, इतना याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। अगला फैक्ट है भीम बेटिका इंपॉर्टेंट है। ये आता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज जगह का नाम है भीम बेटिका। गुफा है, एक प्रकार की भीम बेटिका की गुफा। यह पूरा पाषाणिक अवशीय पूरा स्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आएगा भीम बेटिका क्यों प्रसिद्ध है, तो शैल चित्र एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शैल का मतलब होता है चट्टान, चट्टानों में चित्रकारी की गई है दोस्तों, इसलिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के से लेके मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य है। क्वेश्चन आएगा भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, भीम बेटिका की गुफाएं से मिले हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज पूछा जाता है 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ द्वारा की गई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भीम बेटिका के गुफा की खोज किसने की, तो 1857-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ के द्वारा की गई थी। भीम बेटिका क्षेत्र को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया, 1990 में। उसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। यूनेस्को के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व धरोहर की चीज़ों को शामिल करता है, उसने 2003 में शामिल किया था। अब यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा भीम बेटिका की गुफाओं की खोज किसने की, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ ने। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कड़ भारत के एक प्रमुख पुरातत्वविद थे, जो भोपाल के निकट स्थित भीम बेटिका के प्राचीनतम शैलाश्रयों के अन्वेषण किया, खोज की उन्होंने, और कई वर्ष पुराने इसको बताए हैं, और बस इतनी जानकारी होना। भीम बेटिका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है पूछेगा, शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, इतना याद रखना है। अगला फैक्ट है भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी से मिले हैं। भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। यह पहली बार 1982 में खोजा गया था। नर्मदा हुमेन कहते थे उसको, नर्मदा हुमेन को नर्मदा मेन के रूप में भी जाना जाता है। होमो इरेक्ट्स की श्रेणी से संबंधित है ये जो मानव मिले थे दोस्तों, यहाँ पे ये जो मानव मिले थे ये होमो इरेक्ट्स की श्रेणी से संबंधित है। और इसके बाद होमो सेपियंस आए थे, है ना, आधुनिक मानव प्रजाति के पहले के प्रमाण पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिले हैं, इतना याद रखना है। अगला फैक्ट है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले
प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। प्रजाति विभेदीकरण किया था, क्वेश्चन अपने को ऐसे ही पूछेगा। देखो, सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किस भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी ने किया था? तो उनका नाम था रिजले। रिजले ने किया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो रिजले कौन थे? तो रिजले के मुताबिक दोस्तों भारत के तीन प्रमुख नस्ल थे, द्रविड़, इंडो आर्य और मंगोलाइड, इनके आधार पर। तो ये कौन थे? तो रिजले एक भारतीय नागरिक सेवा में अधिकारी थे दोस्तों, भारतीय नागरिक सेवा में अधिकारी थे, अंग्रेज थे ये, है ना। हाँ, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इतना तो याद नहीं रखना है, क्या काम की चीजें हैं यहाँ से, तो यहाँ से कुछ काम का तो है नहीं। ये रिजले कुछ काम का नहीं है, परीक्षा के हिसाब से इतना ही है, है ना। तो इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, मैंने बताया ना, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वही सुन लो बस। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किस भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी ने किया था? तो रिजले ने इसने जनसंख्या के रिजले एक जनजाति यानी इनने क्या बोलेंगे उसको अपन रिजले ने भारतीय प्रजातियों को भागों में बांटकर उनका जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। नाम इतना ही याद रखना है बस। तो इस तरीके से ये लेक्चर हमारा समाप्त, जिसमें हमने इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास को डिस्कस किए। देखो छोटा सा लेक्चर था, लेकिन अपन ने कितनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त किए, है ना, इसलिए लेक्चर लंबा हो गया दोस्तों। आप खुद बुक पकड़ के पढ़ते तो जल्दी पढ़ लेते, लेकिन आपको अंदर की चीज़ें पता नहीं रहती ना, इसलिए मैंने साथों साथ बताया। तो लेक्चर कैसा लगा? अरे ये एक टॉपिक छूट गया है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक रह गया है। तो उत्खनन के दौरान जो संस्कृति मिली है वहाँ से हमको कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो अपने को पता होना, जैसे मालवा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ से काला तथा लाल बर्तन मिले हैं, क्वेश्चन आ सकता है, है ना। मालवा से कैसे बर्तन प्राप्त हुए? काला और लाल बर्तन प्राप्त हुए। बुर्ज होम मैंने बताया था, श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व का कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है ये। पुरातात्विक खुदाई के दौरान यहाँ से घूसर मिले। घूसर का मतलब क्या होता है? घूसर का अर्थ होता है धूल से रंगा हुआ बर्तन, धूल से रंगा हुआ बर्तन, या भूरा बर्तन बोल सकते हैं उसको, भूरे बर्तन, या इसको मटमैले रंग का भी बोल सकते हैं, मटमैले रंग का। अब कैसा भी याद रखना है, भूरे कलर का या मटमैले कलर का, ये धूल से रंगा हुआ, इसके नाम है धूल से रंगा हुआ, भूरे रंग का या फिर मटमैले रंग का, उसे ही घूसर कहा गया है। जोखे कहाँ हैं? जोखे संस्कृति कहाँ है दोस्तों? तो जोखे संस्कृति महाराष्ट्र की संस्कृति है, एक प्रकार की महाराष्ट्र में था ये जोखे संस्कृति महाराष्ट्र में। यहाँ से खुदाई के दौरान उत्खनन के दौरान लाल बर्तन मिले हैं, और दक्षिणी नवपाषाण काल यहाँ से चमकीला घूसर मिला, यानी चमकीले कलर के मटमैले रंग के बर्तन मिले हैं लेकिन वो चमकीले हैं, इसलिए घूसर कहा गया, घूसर चमकीले। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, दक्षिण नवपाषाण में कौन से बर्तन मिले हैं? चमकीला घूसर। पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल बर्तन मिला है। तो इनको याद रखना है बस, इसको याद रखना है। मालवा से काला और लाल, बुर्ज होम से घूसर, जोखे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में, यहाँ से लाल, दक्षिण नवपाषाण से चमकीला घूसर, और पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल बर्तन प्राप्त हुए। इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट। देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, ज़्यादा जानकारी देने में लंबा हो जाता है। आप तो इसको पढ़ते तो 10-15 मिनट में ही पढ़ के खत्म कर देते, लेकिन जो मैंने काम की चीज़ें बताया उससे आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गई ना, अब इसको आप भूल नहीं पाएंगे आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, इस वजह से मैं लेक्चर धीरे धीरे डाल रहा हूँ। धन्यवाद।